दोस्तों विंडोज 11 के नए लुक और नए इंटरफेस के साथ साथ यहाँ पर आपको कुछ नई शॉर्टकट कीज भी देखने को मिलेगी जो मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। यहाँ पे कुछ शॉर्टकट कीज हैं जो आपके काम को आसान बनाएगी, हैंडी बनाएगी जब भी आप विंडोज 11 यूज करेंगे या फिर यूज कर रहे हो। तो चलिए बताते हैं आपको। सबसे पहली शॉर्टकट की हम देखते हैं, विंडो बटन आपको अपने कीबोर्ड से दबाना है और उसके साथ आपको दबाना है W, तो आपका सीधा विजिट्स यहाँ पे ओपन हो जाता है। आप देख सकते हैं विजिट्स यहाँ पे आ जाते हैं और विजिट्स की खास बात यह है कि आप इसमें ऐड भी कर सकते हैं विजिट्स जो इसमें पहले से अवेलेबल है, टू डू टास्क वगैरह ऐड कर सकते हैं, कैलेंडर वगैरह, क्रिकेट, इंटरनेशनल वगैरह, वेदर वगैरह सब आपको यहाँ पे शो करता है। इंटरनेट से कनेक्ट होगा तो आपके पास सभी अपडेटेड इंफॉर्मेशन रहेगी। बढ़ते हैं अगली की तरफ। अगली की में आपको दबाना है विंडो बटन के साथ A, ठीक है, विंडो प्लस A, जिसमें सीधा आपके पास क्विक सेटिंग ओपन हो जाता है जहां से आप अपना वाईफाई वगैरह मैनेज कर सकते हैं, एयरप्लेन मोड में जा सकते हैं, नाइट लाइट आप ओपन कर सकते हैं, हॉटस्पॉट ओपन कर सकते हैं, अलार्म वगैरह सेट कर सकते हैं, एक्सेसिबिलिटी में जा सकते हैं और साथ ही साथ वॉल्यूम कम ज्यादा कर सकते हैं और इस पैनल को एडिट भी कर सकते हैं, साथ ही यहां से डायरेक्ट सेटिंग में भी जा सकते हैं। तो ये एक क्विक सेटिंग लॉन्चर है जहां से आप विंडो प्लस ए दबा के डायरेक्ट इसमें जा सकते हैं। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ। नेक्स्ट शॉर्टकट की है विंडो प्लस एन, ठीक है, ये विंडो प्लस एन एक नोटिफिकेशन पैनल के लिए जिसमें जैसे ही आप विंडो प्लस एन दबाएंगे तो यहाँ पे जितने भी नोटिफिकेशन आपके पास आ चुके हैं जिनको आपने रीड नहीं किया है वो आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे विंडोज सिक्योरिटी से रिलेटेड नोटिफिकेशन आया तो मैं यहाँ पे उसको रीड करके यहाँ से डिसमिस कर सकता हूँ या फिर यहाँ पे क्लियर ऑल भी कर सकते हैं जिससे कि नोटिफिकेशन सारे क्लियर हो जाए। ओके, देन नेक्स्ट चलते हैं जो विंडोज 11 का एक बहुत ही खास फीचर है, विंडो प्लस जेड, ठीक है, ये आपकी तब काम करेगी जैसे सपोज किसी विंडो पर आप ऑलरेडी हैं और आपको अपने स्क्रीन को मैनेज करना है मल्टीपल स्क्रीन में, तो आप विंडो प्लस जेड दबाएंगे तो यहाँ पर आपके पास अलग अलग लेआउट आ जाएंगे। अगर आपके पास दो विंडो ओपन है तो आप ये वाला लेआउट ओपन कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपको एक लेआउट बड़ा करना है, एक विंडो बड़ी करनी है, एक दूसरी छोटी करनी है तो इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, तीन में इस तरीके से, चार में इस तरीके से, तो आप अपने विंडो को डिवाइड कर सकते हैं मल्टीपल स्क्रीन में। जैसे सपोज मैं ये चूज करता हूँ, ठीक है, तो आपने देखा कि गूगल क्रोम मेरा इस तरीके से हो गया है और दूसरी जो विंडो है वो यहाँ पे आ गई ऑटोमेटिकली, मैं इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ तो दोनों विंडो इक्वली डिवाइड यहाँ पे हो गई है। तो विंडो प्लस जेड की हेल्प से आप जब आपकी कोई एक पर्टिकुलर विंडो ओपन हो तो आप मल्टीपल स्क्रीन, मल्टीपल विंडो को एक ही स्क्रीन में सेट कर सकते हैं। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट शॉर्टकट की पे। नेक्स्ट शॉर्टकट की बहुत ही मजेदार शॉर्टकट की है जिसमें आप दबाएंगे अपने कीबोर्ड से विंडो प्लस वी, ठीक है, यहां पर आपके पास एक पैनल ओपन हो जाता है क्लिपबोर्ड का। विंडो प्लस वी एक्चुअल में एक क्लिपबोर्ड पैनल है जहां पर आप स्माइली, GIF आप यहां पे यूज ले सकते हैं। इनफैक्ट आपने लास्ट जो चीज कॉपी की थी, टेक्स्ट जो कॉपी किया था या फिर जो भी चीज कॉपी की थी वो यहां पे मेंशन होकर आ जाती है। कैसे, मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पे जैसे सपोज मैंने वर्ड में कोई टेक्स्ट यहां पे कॉपी किया, हेलो देयर, ठीक है, अब सपोज मैंने इसको यहां पे कॉपी कर लिया कंट्रोल प्लस सी दबा के, ठीक है, तो ये मेरे क्लिपबोर्ड में सेव हो जाता है जब तक मैं इसको पेस्ट नहीं करूंगा। अगर आपको यहाँ पे अपनी पेस्ट हिस्ट्री, कॉपी और पेस्ट हिस्ट्री देखनी हो तो आपको यहाँ से सीधा पता लग जाएगी। विंडो प्लस वी दबाएंगे तो आप देख सकते हैं क्लिपबोर्ड में आपके यहाँ पे स्टोर हो जाएगी जो आपने रिसेंट टेक्स्ट जो कॉपी किया है वो यहाँ पे वन बाय वन आता जाएगा। जैसे सपोज मैं एक और टेक्स्ट यहाँ पे कॉपी करता हूँ, ठीक है, जैसे हेलो देयर बस टुडे टैक्स, ठीक है, मैंने इसको भी कॉपी किया कंट्रोल सी दबाया तो ये सीधा क्लिपबोर्ड में मेरे चले जाएगा। विंडो प्लस वी दबाऊंगा तो आप देख सकते हैं इसके बाद वाला भी मेरे को यहाँ पे शो कर रहा है। तो कई बार ऐसे टास्क हम करते हैं जो हम कॉपी करके भूल जाते हैं या फिर हमने दो तीन चीज़ें एक साथ कॉपी की हो और हम भूल गए पुराना वाला, तो हम यहाँ से विंडो प्लस वी दबा के एक्सेस कर सकते हैं कि हमारे क्लिपबोर्ड में क्या क्या चीज़ें स्टोर है, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी हैंडी है ये टूल विंडो प्लस वी का, इसमें आप क्लिपबोर्ड को डायरेक्ट एक्सेस कर पाते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की जो आपको बताने वाला हूँ वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सपोज आपके पास एक कॉमन वाईफाई है जिससे आपका टीवी भी कनेक्ट रहता है और आपका पीसी भी, तो आप अपने टीवी पे अपने सिस्टम को कास्ट कर सकते हैं। उसके लिए डायरेक्ट शॉर्टकट की यहाँ पे विंडो प्लस के आप दबाएंगे, देन यहाँ पर अवेलेबल डिस्प्लेज आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पर जो भी कॉमन नेटवर्क से जो भी कास्टिंग डिवाइस होगी वो यहाँ पे सर्च होके आ जाएगी और देन यहाँ पे आप उसको सिलेक्ट करके कास्ट कर सकते हैं अपने कंप्यूटर को डायरेक्ट टीवी में। अभी यहाँ पे मेरे घर में कोई भी यहाँ पे कास्टिंग डिवाइस ऑन नहीं है इसलिए यहाँ पे नो डिस्प्लेज अवेलेबल आ रहा है, तो काफी हैंडी टूल हो जाता है, आप कास्ट कर सकते हैं अपने सिस्टम को डायरेक्ट टीवी पर। देन एक और सिंपल और इंटरेस्टिंग शॉर्टकट के मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो भी आप टास्क बार नीचे देख रहे हैं यहाँ पे आइकन्स बने हुए हैं काफी सारे, ठीक है, इन आइकन्स की अपनी एक नंबरिंग है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। अगर आपको यहाँ से पर्टिकुलर कोई एक एप्लीकेशन रन करनी हो तो आप डायरेक्ट यहाँ से विंडो प्लस वो नंबर आप दबा देंगे जो आइकन टास्क बार पे प्लेस है। जैसे 3 विंडो प्लस अगर मैं 3 दबाऊंगा तो यहाँ से फाइल एक्सप्लोरर यहाँ से ओपन हो जाएगा। जैसे मैं विंडो प्लस 3 यहाँ पे दबाता हूँ, ठीक है, तो आप देख सकते हैं फाइल एक्सप्लोरर यहाँ पे
ओपन हो गया। इस तरीके से सपोज यहाँ से अगर मैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये वाला आइकन ओपन करना चाहता हूँ तो विंडो प्लस 7 दबाऊंगा तो 7th विंडो मेरी ओपन हो जाएगी। आप देख सकते हैं गूगल क्रोम की विंडो है। तो ये जो आइकन, तो ये जो न्यूमेरिक बटन जो आपको दबाने हैं, ये जो अल्फाबेट्स के जस्ट ऊपर जो न्यूमेरिक बटन होते हैं वो आपको दबाने हैं विंडो बटन के साथ। तो ये कुछ शॉर्टकट कीज थी जिनका आप यूज ले सकते हैं विंडोज 11 में। आई होप कि ये जो जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। जब भी आप विंडोज 11 यूज करेंगे कुछ और भी शॉर्टकट कीज मुझे पता लगेगी तो मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।